मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कैंसर पीड़ित बच्चों संग ऐश्वर्या राय ने बनाई क्रिसमस पार्टी। ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में नजर आईं। इस इवेंट के बाद ऐश्वर्या क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी हो गई हैं, लेकिन ये पार्टी उन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ की। दरअसल रविवार को मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में ऐश्वर्या राय बच्चन बतौर गेस्ट पहुंची। इस इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चों के प्रोग्राम को एंजॉय किया। पिंक कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई ऐश्वर्या हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। ऐश्वर्या राय ने बच्चों के साथ कई पिक्चर्स क्लिक कराई। बच्चों की तबीयत का हाल पूछने के साथ ही ऐश्वर्या ने बच्चों की परफॉर्मेंस की तारीफ की। स्टारडम की चकाचौंध में शाहरुख ने खुद को खो दिया। शाहरुख की मच अवेटेड फिल्म जीरो रिलीज हो गई है। फैंस और क्रिटिक्स के बीच शाहरुख खान एक बार फिर से अपना जादू चलाने में कामयाब नहीं हुए। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म का कारोबार ठीक ठाक ही रहा, लेकिन कलेक्शन का आंकड़ा उम्मीद से कम हुआ। इस बीच शाहरुख खान ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनका स्टारडम इतना ज्यादा हावी हो गया है कि लोग उन्हें एक नॉर्मल रोल में देखना पसंद नहीं करते। शाहरुख खान ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टारडम में मैंने खुद को खो दिया। जब मैं एक रोमांटिक हीरो बना तो महिलाओं ने मुझे अपने ख्वाबों में बहुत ज्यादा खूबसूरत पाया, लेकिन मैं वैसा नहीं था। फिर मैंने क्यूपिड का किरदार प्ले किया, आइटम नंबर किए, लवर बॉय बना। इस वजह से अब अगर आप मुझे नॉर्मल किरदार में देखना चाहते हैं तो मैं अब वैसा नहीं रहा। शाहरुख खान ने बताया कि फिल्म में उनके को एक्टर रहे मोहम्मद जीशान आयुब ने हाल में कहा कि मैं एक मुहावरा बन चुका हूँ, लेकिन ये अजीब है क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। आमिर खान को देखने चीन में उमड़ी फैंस की भारी भीड़। जब भी इंटरनेशनल फैंस की बात आती है तो आमिर खान का नाम सबसे पहले आता है। आमिर खान की लगभग सभी फिल्में वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन करती हैं। अब आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 28 दिसंबर को चीन में रिलीज होने जा रही है। आमिर फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां 10 दिनों तक रोड शो करने वाले हैं। खासतौर पर चीन में आमिर की फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है और चीन में उनकी फैन फॉलोइंग भी खूब है। कई बार आमिर खान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाल ही में अभिनेता को विश्वविद्यालय में अपनी अगली फिल्म का प्रचार रद्द करना पड़ा। दरअसल चीन में अपने हालिया प्रचार के दौरान आमिर खान को चीनी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेना था। आमिर को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें करीब 400 लोगों को समायोजित करने का प्लान था। लेकिन जैसे ही शहर में ये खबर फैली कि आमिर खान ग्वांगजो विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, तो फैंस उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। 400 लोगों का छोटा सा ऑडिटोरियम जल्द ही 3000 से अधिक लोगों से भर गया। फिर क्या था, अधिकारियों को आमिर खान का ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस समारोह के बाद अभिनेता के प्रचार के लिए चीनी अधिकारियों ने इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए आमिर खान की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। मूवी टिकट पे घटा जीएसटी, बॉलीवुड ने कहा थैंक यू पीएम। शनिवार की शाम बॉलीवुड के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आई। विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ने दर्शकों से लेकर निर्माताओं तक के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि अब मूवी टिकट पर भी 18 से 12 प्रतिशत तक का भार कम होगा। इस निर्णय के बाद निर्माता निर्देशक करण जौहर और एक्टर अनुपम खेर सहित कई दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अनुपम खेर ने कहा, ये भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि जीएसटी दरों में 18% से 12% तक की कटौती की गई है। इस कदम का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं। वहीं इस निर्णय के बाद करण जौहर ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी है। करण जौहर ने लिखा है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सिनेमा के जीएसटी रेट को कम किया। साल के अंत में ये एक बड़ी खुशखबरी है। प्रसून जोशी ने कहा, पीएम के साथ इंडस्ट्री के डेलीगेशन की बातचीत के बाद ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सलमान खान ने बताया शादी के लिए चाहिए कैसी लड़की। हाल ही में दूल्हे राजा बने रणवीर सिंह अब शादी की बात से पक गए हैं। चूंकि कुछ दिनों पहले ही वो दीपिका पादुकोण से शादी कर चुके हैं और इसको लेकर हर कोई उनसे बात कर रहा है। अब इस कारण रणवीर सिंह चाहते हैं कि सलमान खान भी शादी कर लें। वो शादी के लिए सलमान खान की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि सलमान खान की शादी की चर्चा तो वर्षों से होती रही है। अब इस बीच रणवीर सिंह को सलमान खान की शादी करवानी है और वो लग गए हैं इसके लिए प्रोफाइल बनाने में कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। दरअसल बिग बॉस 12 के सेट पर सिम्बा के प्रमोशन के लिए इस फिल्म के मुख्य कलाकार रणवीर सिंह और सारा अली खान पहुंचे थे। इसके साथ फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी पहुंचे। अब यहां पर बात निकली शादी की तो रणवीर सिंह ने कहा कि वो तो शादी की बात से अब पक गए हैं, तो वह सलमान खान की शादी करवाना चाहते हैं और उसकी प्रोफाइल भी बना रहे हैं। रणवीर सिंह सलमान की प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं जिसमें मदद सारा और रोहित भी कर रहे हैं। जेंडर की जगह लिखने के लिए रोहित सुझाव देते हैं अल्फा मेल लिखना होगा।
इसके आगे रोहित अबाउट योर सेल्फ के लिए कहते हैं कि लिखना होगा कि दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। इसके बाद सलमान से रणवीर पूछते हैं कि आपको कैसी लड़की चाहिए। जवाब में सलमान बताते हैं कि एक अच्छी, सुंदर और टिकाऊ होना चाहिए। ईशा और प्रियंका की राह पर चले कपिल शर्मा। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने गर्लफ्रेंड गिन्नी के साथ शादी के बाद जालंधर में रिसेप्शन भी दिया था। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं, कपिल शर्मा मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में 24 दिसंबर को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे। जानकारी के मुताबिक कपिल शर्मा की इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन की दिग्गज हस्तियां शामिल हो सकती हैं। कपिल शर्मा के सितारों से करीबी रिश्ते हैं, जिसकी वजह कपिल का कॉमेडी शो रहा है। कपिल के शो में अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक पहुंचे थे। ऐसे में फिल्मी हस्तियों के शरीक होने की उम्मीद बताई जा रही है। कपिल शर्मा ने दो रिवाजों से गिनी चतरत के साथ शादी रचाई थी। फैमिली संग डिनर डेट पे प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस मुंबई में शानदार रिसेप्शन के बाद ये कपल लंदन पहुंच गया है। यहां प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। प्रियंका और निक फैमिली के साथ डिनर आउटिंग के लिए गए। कपल के साथ प्रियंका की मां मधु चोपड़ा, निक के भाई जो और फ्रैंकी जोनस भी नजर आए। साथ ही जो जोनस की मंगेतर सोफी टर्नर भी इस डिनर में शामिल हुई। डिनर के अलावा कपल की साथ में कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फोटो में निक प्रियंका का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। दोनों की बॉन्डिंग साथ में देखते ही बनती है। खबरें हैं कि मुंबई में रिसेप्शन के बाद अब ये न्यूली वेड लॉस एंजलिस में दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी देने की तैयारी में है। इसमें हॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की वजह से ट्रोल हुई सोनम कपूर। सोनम कपूर इन दिनों द जोया फैक्टर की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा सोनम सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। सोनम लगभग हर दिन सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए ट्रोल होती हैं। अभी एक दिन पहले ही सोनम कपूर ने एक फोटो पोस्ट की। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि एक्टर्स अपने नए आउटफिट्स की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इससे नए डिजाइनर्स को बढ़ावा मिला है। सोनम ने अपनी बहन रिया कपूर को टैग करते हुए लिखा, मुझे खुशी होती है कि हमने ये ट्रेंड शुरू किया। सोनम ने जैसे ही ये पोस्ट लिखा, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। यूजर्स उनके ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, दुनिया के सारे फैशन ट्रेंड्स तुमने ही शुरू किए हैं। एक ने लिखा, सोनम तुम कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो, इससे पहले भी अपने को स्टार दलकीर सलमान का बचाव कर सोनम ट्रोल हुई थी। यूजर ने लिखा था, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे यूएस की प्रेसिडेंट तुम ही हो। वहीं कुछ ने लिखा, अगर अनिल कपूर तुम्हारे पिता नहीं होते तो तुम्हें कोई नहीं जानता। एक यूजर ने लिखा, रेगुलर तो मैडम ने ऐसे लिखा है जैसे एलिजाबेथ हो। बता दें कि सोनम जल्द ही दलकीर सलमान के साथ द जोया फैक्टर में नजर आने वाली हैं। शादी के बाद स्कूल फंक्शन में दिखी ईशा अंबानी। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल फंक्शन शुक्रवार को आयोजित हुआ। इसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आए। वहीं ईशा पति आनंद पीरामल और सासू मां स्वाति पीरामल के साथ नजर आईं। शादी के बाद ये ईशा की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी, जिसमें वो अपने पति और सासू मां के साथ थीं। इस दौरान ईशा ने फ्लावर प्रिंट की ड्रेस पहनी हुई थी। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी अपनी मंगेतर श्लोका मेहता के साथ पहुंचे। आकाश श्लोका का हाथ थामे नजर आए। अनंत अंबानी को भी यहां स्पॉट किया गया। बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद पीरामल अंबानी निवास एंटीलिया में 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गए। आज मोहम्मद रफी का जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा के जाने माने फनकार और स्वर सम्राट मोहम्मद रफी की आज 95वीं जयंती है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। अपने सिंगिंग करियर में रफी ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जिनका महत्व तो आज भी उतना है जितना उनके समय में हुआ करता था। कहा जाता है कि रफी साहब ने अपने गांव में फकीर के गानों की नकल करते करते गाना सीखा था। मोहम्मद रफी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस बतौर गायक 13 साल की उम्र में दी थी। KL सहगल ने उन्हें लाहौर में एक कॉन्सर्ट में गाने की अनुमति दी थी। साल 1948 में मोहम्मद रफी ने राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखा हुआ गीत सुन सुनो आए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाया था। ये गाना देखते ही देखते इतना बड़ा हिट हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर ये गाना गाने के लिए निमंत्रण दिया था। मोहम्मद रफी के निधन के दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि निधन की अंतिम यात्रा की रिकॉर्डिंग को हिंदी फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया है। मोहम्मद रफी की अंतिम यात्रा इतने बड़े स्तर पर की गई थी कि लोग आज भी याद करते हैं। उस वक्त करीब 10,000 लोग यात्रा में शरीक हुए थे। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।